गाइस, वेलकम टू दी एकेडमी चैनल। तो हम पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किए हुए थे कि हम जीके चैनल जीएस पेपर के लिए भी करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएस के लिए, जो कि ये जीएस जो होगा रेलवे एसएससी बैंकिंग कर से रिलेटेड होगा, उसका सिलेबस लिया गया है। तो हम एक नोट्स बनाए हुए थे, हर नोट्स बनाते हैं, क्वेश्चन छांटते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम अलग अलग क्वेश्चन से लेते हैं, तैयार करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ से आपको शुरू करते हैं यहाँ से कि टाइम टू टाइम वीडियो डालते रहेंगे हम जीएस के लिए। तो ये वीडियो जो होगा काफ़ी हेल्पफुल होगा वो लोगों के लिए जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी बैंकिंग वगैरह में भी काम आएगा ये, तो उस बेसिस से हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि काफ़ी फायदा होने वाला है इस चैनल से, क्योंकि जितना भी ज़रूरत चीज़ें हम सब धीरे धीरे डालेंगे। और अभी जैसे कि शुरुआत है, तो जैसा कि बताया कि चलता रहेगा ये, और कुछ ना कुछ नया नया चीज़ लाएंगे जो कि बहुत ही फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो हम पहले बताएं कि हम कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ क्वेश्चन छाटे हुए हैं, हम यहाँ क्वेश्चन बोर्ड पे लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन को आपको सामने लिख के दिखाते हैं कि क्या क्या है। तो इसकी शुरुआत जो हम करते हैं वो इंडियन पॉलिटी से करते हैं। तो आप देख रहे हैं सामने में कुछ बोर्ड में हम नोट्स बनाए हुए हैं, तो हम एक एक टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक के बारे में कुछ कुछ पॉइंट जो पॉसिबल जो एग्जाम जो मतलब एग्जाम का पॉइंट है, तो उससे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, उस पॉइंट पे हम कुछ देखेंगे और उस पॉइंट को यहाँ नोट करेंगे, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फ्रिक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हमने भी बहुत सारा को ये के और एनालाइज किए हैं, तब इसको पता चला है कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि योजना आयोग जो हम फर्स्ट जो टॉपिक लिए हुए हैं वो योजना आयोग लिए हैं, और इससे कुछ पॉइंट्स हम बनाए हुए हैं। इतना पॉइंट्स जो है ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीजीएल वाला जो एसएससी होता है, स्टेट लेवल जो एसएससी होता है, वो सारे क्वेश्चन में, इवन यहाँ पे पीएससी एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो स्टेट लेवल का पीएससी होता है, उसमें चाहे जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर अदर स्टेट का पीएससी हो, तो उन सारे में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक है, जीएस पेपर में। तो आप देखें कि यहाँ टॉपिक जो हम लिए हैं योजना आयोग लिए हैं। तो योजना आयोग सबसे पहले हम यहाँ बताया गया कि योजना आयोग जो है वो समवर्ती सूची का मामला है, यानी कि समवर्ती सूची होता है, कंकरेंट लिस्ट होता है, तो उसे ये आता है जो कि भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल था यह, जो कि कहाँ से लिया गया था, इसको रूस से लिया गया। तो एक फर्स्ट पॉइंट के बारे में यदि बात करें तो क्या था ये फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय और जो आप जानते हैं, तो पंचवर्षीय योजना में जो था उसी का ये मॉडल था, उसी के तर्ज पे ये काम करता था, जो कि कहाँ से लिया गया, इसको रसिया से, रूस से लिया गया, ठीक है, रूस से इंस्पायर होकर वहां से लिया गया है। और इसमें क्या होता है, योजना बनता है किसी चीज का जो कि कंकरेंट लिस्ट का मामला है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिखाया गया है, योजना आयोग जो है कब होता है, ये 15 मार्च 1950 से लागू किया गया है, यानी हमारे देश में जो लागू किया गया इसको 15 मार्च 1950 से लागू किया गया है योजना आयोग को। और उसके बाद ये बता दें कि इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, जो कि कौन स्टार्ट किए थे इसको, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है, रसिया से लिया, रूस से लिया गया था। और उसके बाद जो है इसकी स्थापना जो था वो केसी नियोगी के सुझाव पर हुआ था, यानी उसमें जो एक कमिटी बना था उसमें जो कि किसके देखरेख में हुआ था, वो केसी नियोगी की देखरेख में हुआ था, उन्हीं के सुझाव पे ये स्थापना इसका किया गया था। उसके बाद इसका चेयरमैन जो होता है हमेशा पीएम होता है, ठीक है। योजना आयोग जो होता है क्या होता है, गैर शासन मतलब गैर संवैधानिक है, संविधान में ये लिखा हुआ नहीं रहता है कहीं पे, संविधान में हमारा ये कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, चाहे जो भी प्रेजिडेंट का हो प्राइम मिनिस्टर, तो वो इसके चेयरमैन होते हैं। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसका उल्लेख संविधान में, जैसे कि बता दिए कि गैर संवैधानिक है ये, संविधान में नहीं है ये, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसका एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, जो कि पहला उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारीलाल नंदा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट उपाध्यक्ष, योजना आयोग का फर्स्ट उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारीलाल नंदा थे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, यानी इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, यानी ये अब
2 साल 4 साल 5 साल कुछ भी एक्सटेंड हो सकता है, उससे पहले खत्म हो सकता है या ज्यादा भी चलाया जा सकता है। तो इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है, यानी डिसाइडेड नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया कि हमारा 2 साल तक ही रहेगा या 3 साल तक रहेगा या 5 साल तक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कार्यकाल नहीं रहता है, ठीक है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है इसको, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि कार्यकाल कितना है, उसमें कुछ भी ऑप्शन दे देगा, नॉन ऑफ दीज भी रहेगा तो आप उसमें नॉन ऑफ दीज मारेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जिसकी स्थापना जो है, सदस्यों की कोई कार्यकाल नहीं होता, और जिसकी स्थापना यानी कि उस सदस्यों का जो स्थापना है वो कौन करते हैं, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, ठीक है। जो कि बताएं कि ये क्या है, गैर सरकारी होता है, गैर संवैधानिक और गैर सरकारी भी होता है, नॉन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा इतना पॉइंट बनता है योजना आयोग से, ठीक है। योजना आयोग से पूछा जाएगा कि किस लिस्ट से आता है, तो आपको बताना होगा किस क्या चीज से इंस्पायरेशन, किस मॉडल पे तैयार किया गया इसको, पंचवर्षीय योजना के मॉडल से था ये, कहाँ से इसको अडॉप्ट किया, कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। कब ये शुरू हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। हेड क्वार्टर इसके कहाँ है, तो दिल्ली में है। जो कि स्टार्ट कौन किए थे इसको, उस समय के प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे वो किए हुए थे, और इसकी स्थापना जो हुआ था वो केसी नियोगी के सुझाव पे हुआ था, ठीक है। और इसका चेयरमैन पीएम हमेशा होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के रहेंगे वो उस समय के होते हैं। और इसका उल्लेख जैसे कि बताया कि गैर संवैधानिक है, संविधान में नहीं है, उपाध्यक्ष होता है, जो उपाध्याय पहला जो थे वो गुलजारीलाल नंदा थे, और इन सदस्यों का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं रहता है, और ये कार्यकाल जो होता है इन सदस्यों का जो इन सदस्यों का प्रधानमंत्री के द्वारा स्थापना यानी नियुक्त किया जाता है, और वो क्या होते हैं, गैर सरकारी होते हैं, वो सरकारी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमारा इतना क्वेश्चन बनता है, इतना पॉइंट बनता है इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसमें से आप उम्मीद करता हूँ बहुत सारा क्वेश्चन कवर है ये, और मैक्सिमम इसको एग्जाम में सब पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक। तो नेक्स्ट का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं सामने, क्या है हमारा टॉपिक, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता है, यानी पहला जो हम टॉपिक लिए हुए थे योजना आयोग लिए हुए थे, योजना आयोग के बाद जो हम लिए हैं राष्ट्रीय विकास आयोग, ठीक है, परिषद, सॉरी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एनडीसी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी एनडीसी दे देता है, तो एनडीसी भी पहचानना होगा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है, कई बार इसका पूछ दिया जाता है फुल फॉर्म भी, और कई बार ऑप्शन में आता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ना लिख करके वो लिखता है एनडीसी, ठीक है। तो आपको एनडीसी समझना होगा कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बोला जाता है, ठीक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका भी स्थापना जो है इसका हुआ था वो 6 अगस्त 1951 यानी 1951 का हुआ था, और हेडक्वार्टर जो इसका है न्यू दिल्ली में। जो भी ये भी जो स्टार्ट किया गया था वो पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, यानी स्टार्टेड बाई पीएम जवाहरलाल नेहरू, और ये भी गैर संवैधानिक है। जैसे कि हमें योजना आयोग बताए, योजना आयोग भी संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, उसी तरह से ये राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी हमारा संविधान का पार्ट नहीं है, ये संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये गैर संवैधानिक होता है, और यह योजना आयोग का सलाहकारी है, मतलब ये कि इसका मुख्य कार्य क्या है, ये योजना आयोग को सलाह करता है, यानी योजना जो बनाया जाता है उसमें ये सलाहकारी का काम करता है, सलाह करता है कि योजना किस तरह से बनाया जाए, क्या बनाया जाए। और योजना आयोग का ये सलाहकारी के साथ साथ क्या होता है, योजनाओं का अंतिम स्वीकृति भी यही देता है, यानी योजना जब फाइनल हो जाता है तो अंतिम यानी फाइनलाइज इसी के द्वारा किया जाएगा, फाइनल करके जो जब तक ये उसमें अपना फाइनलाइज नहीं करेगा, अपना जो भी साइन सिग्नेचर जो भी हो वो जब तक एग्रीमेंट नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं हो सकता है। इसलिए योजना आयोग का जो फाइनलाइज करता है यानी फाइनल अंतिम स्वीकृति जो देता है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही देता है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ही देता है, ठीक है। उसके बाद जो हम यहाँ पे देख रहे हैं इसकी स्थापना भी जो ये जैसे कि विकास जो प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग जो था वो आपका केसी नियोगी के सुझाव पे किया गया था, ये भी केसी नियोगी के सुझाव पे ही किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये भी केसी नियोगी के सुझाव पे किया गया था। और एनडीसी का सदस्य यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो सदस्य होता है वो कौन कौन होता है देख लीजिए यहाँ पे, ये ज्यादा नोट करने वाला बात है कि यहाँ पे क्या है, सभी राज्यों का सीएम होता है, यानी जितने भी हमारे सभी राज्य का स्टेट जो है उसका सीएम, चीफ मिनिस्टर, केंद्र शासित यानी कि यूटी जो यूनियन टेरिटरी होता है उसका वहाँ का जो प्रशासक होता है, जो भी शासक होता है उसके प्रेजेंट वो भी रहेगा, प्रदेशों के प्रशासक,
सभी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जितना होता है वो सब भी इसका सदस्य होता है, और योजना आयोग के सभी सदस्य, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग में जितना सदस्य था वो इसका भी सदस्य होता है। तो आप देख रहे हैं कि इतना इसका सदस्य होता है। एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो सदस्य होता है, सभी राज्य का सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासक होता है वो होता है, और सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, योजना आयोग का जितना सदस्य होता है वो लोग होता है। ठीक है, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक था। और आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतना पॉइंट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये इस टॉपिक से, और ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका अगले वाला क्वेश्चन, यानी अगले टॉपिक चलते हैं। अगले टॉपिक क्या है वो देखते हैं। अब देख रहे हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लिए हैं नीति आयोग लिए हैं, तो नीति आयोग भी एक नन चूंकि नन समय समय गैर संवैधानिक होता है। तो अभी हम जितना टॉपिक किए, जैसे प्लानिंग कमीशन किए और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल किए, तो वो सब क्या था, गैर संवैधानिक। और ये भी एक गैर संवैधानिक ही होता है, जो कि इसका स्थापना तो एक आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी किए हुए थे प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी पता है कि अभी करेंट में भी वही प्राइम मिनिस्टर है। तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, जो कि कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप जितना भी हम बताए हुए हैं सबको स्क्रीनशॉट ले लें, और पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर ले, कहीं नोट्स बनाए, तब आपको याद करना पड़ेगा, ये सब याद करके रखना होता है, तभी आपको बाद में ये काम देगा, वरना ऐसे दिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि देख दिए एक बार तो याद हो गया, वो आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट डाउन नोट्स वगैरह बना सकते हैं आप। और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है आपका, स्टार्ट जो इसको किए थे, जैसे हम बता दिए कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर किए हुए थे 2015 में, 1 जनवरी 2015 को, गैर संविधान को बता दिए। और इसका चेयरमैन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, पीएम जब भी प्राइम मिनिस्टर उस समय रहेंगे प्रेजेंट, यानी जिस समय प्रेजेंट है, जिस समय की बात करेंगे उस समय जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो उसके चेयरमैन होते हैं। और इसके चार मिनिस्टर होते हैं जो कि मेंबर होते हैं, यानी 4 मिनिस्टर जो होते हैं मेंबर होंगे ही होंगे जो भी उस समय रहेंगे, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो रहेंगे, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये चार मिनिस्टर क्या होते हैं, इसका मेंबर होता है। जिस समय की बात करेंगे जो ये चारों होंगे, ठीक है, वो चारों क्या होते हैं, इन चारों का भी हम बता दें, करंट अफेयर जब डालेंगे तो उसमें सारा डाला हुआ रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, इन चारों मिनिस्टर जो होते हैं क्या होते हैं, इसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है इसके, लेकिन इसके अलावा जो होता है 5 इसका स्थायी परमानेंट मेंबर भी होते हैं। तो परमानेंट मेंबर में जो होता है वो सेलेक्ट किया जाता है, परमानेंट मतलब वो होल लाइफ के लिए रहते हैं। तो जैसे वैसे में कोई साइंटिस्ट वगैरह, कोई इकोनॉमिक्स वगैरह आ जाते हैं, कुछ बहुत ही एजुकेटेड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग आता है, तो वो सब लोगों के रखा जाता है। ठीक है, तो मतलब जैसे यहाँ पे हमारा जो है दो पांच मेंबर जो होते हैं, पांचों में अभी सेलेक्ट नहीं हुए, यानी कि 5 जो हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं, परमानेंट मेंबर यानी अस्थाई इनको बोला जाता है, वो हमारे सब सेलेक्ट नहीं हुए हैं, इनमें से 2 को सिर्फ किसी को सेलेक्ट किया गया है, जो कि 2 हैं, कौन कौन, एक है, 2 में आपका एक है विवेक दौबराय, जो कि आपका इकोनॉमिक्स्ट है, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री जिसको बोलते हैं, और एक है आपका बीके सारस्वत, बीके सारस्वत जो कि ये थे फॉर्मर डीआरडीओ के चेयरमैन थे, डीआरडीओ में जो डीआरडीओ जानते हैं कि आप हमारा देश का जो रिसर्च सेंटर है जो कि मिसाइल वगैरह तैयार करता है, जो कि डीआरडीओ जो होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है हमारा जो कि हमारे इंडिया का जो एक रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे मिसाइल वगैरह या फिर जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी होता है वहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसके ये मेंबर थे ये लोग, तो वहाँ से इनको उठा करके 2 को परमानेंट सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन बाकी 3 अभी भी नहीं सेलेक्ट किया गया है। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि पार्ट टाइम मिनिस्टर यानी पार्ट टाइम मेंबर भी डाल दिया जाता है, जैसे आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हो गए, और कुछ सोशल एंड जस्टिस मिनिस्टर जो भी हैं, तो और भी कोई मिनिस्टर जैसे हो जाते हैं, तो इन सब मिनिस्टर जो होता है ये सबको भी कभी कभी पार्ट टाइम मेंबर को बना लिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है स्पेसिफिक, मतलब जो कि ये हाल फिलहाल में ही शुरू किया है, बता दिए कि ये नरेंद्र मोदी शुरू किए हैं उसको, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी है वो 2015 में इसको स्थापना किए हुए हैं, ये भी जो कि क्या है गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो इससे इतना पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है इसमें, ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये
संविधानिक है या गैर संविधानिक है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत कौन किए थे, कब हुआ था शुरुआत, इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। देखिए देखिए, चार मिनिस्टर, इसमें चार मिनिस्टर जो हमेशा मेंबर उसके रहते हैं, मतलब जो भी करंट उस समय चार मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर कौन कौन मिनिस्टर होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इतना सारा मिनिस्टर जो है मेंबर रहते हैं, जो भी उस समय मिनिस्टर रहेंगे वो उसका मेंबर रहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो बताया कि हम पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं उसके, चाहे एक ना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो होता है वो सब, और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिनिस्टर वगैरह, और एक बताए थे जो कि कौन सा मिनिस्टर होता है, सोशल इनजस्टिस, तो और भी कोई मिनिस्टर को पार्ट टाइम मिनिस्टर, पार्ट टाइम मेंबर इसका बनाया जाता है, जो कि पार्ट टाइम होते हैं वो लोग, होल मतलब अपने कार्यकाल में जितना भी रहेगा वो पूरा नहीं रहेगा, लेकिन पार्ट टाइम कभी कभी बना दिया जाता है। तो इतना नीति आयोग से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है इसमें, और भी मेंबर जो होते हैं वो सीएम भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर जो पूरे स्टेट का होते हैं वो होते हैं, और सारे स्टेट का जो राज्यपाल होते हैं वो लोग भी इसके मेंबर होते हैं नीति आयोग का, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, हालांकि सब उतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जाता है। तो इसके मेंबर में, यानी कि इसमें जो मेंबर यानी पार्टिसिपेट जो करते हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं, वो आपका चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट का रहेंगे, और सारे स्टेट का जो गवर्नर होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं वो लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे कि बताया कि हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इससे पहले वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, तो आई थिंक फर्स्ट वीडियो है तो हम इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद अब देखेंगे तो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि किस तरह के वीडियो को लंबा चाहिए या फिर शॉर्ट चाहिए, क्योंकि हम सप्ताह में हो सकता है ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे इसको हम, क्योंकि हमारा मैथ्स वाला क्लास तो चलता रहेगा, तो इसके अलावा हम ये डालेंगे तो सप्ताह में हो सकता है 1 या 2 दिन, या संडे को ही डालें तो हो सकता है हम लंबा वीडियो डाल दें, आधा घंटा का डाल दें, 30 मिनट 40 मिनट्स को डाल दें, लेकिन फिलहाल ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए हम इसको वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। और आप कमेंट करके बताएंगे कि किस तरह का होगा, और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे, तो और भी हम आपके लिए करंट अफेयर के भी एक शुरू करेंगे बाद में चल करके, करंट अफेयर करेंगे उसमें, जब भी करंट जिस समय के स्टार्ट करेंगे उस समय करंटली सारा कुछ रहेगा, और जो कि एग्जाम पॉइंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। और ये जीएस जो कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, सिर्फ मतलब एक एग्जाम के लिए फायदा नहीं है, रेलवे हो, एसएससी हो, सीजीएल के एसएससी हुआ, स्टेट लेवल का जो एसएससी होता है वो हो गया, पीएससी एग्जाम जो स्टेट लेवल का होता है वहाँ भी पीटी में पूछा जाता है ये सब, बैंकिंग वगैरह में भी क्वेश्चन आता है ये सब, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मल्टी एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप यदि वीडियो पसंद करते होंगे तो लाइक कीजिएगा, और जैसे कि बताएं कि आगे कमेंट करके बताइएगा कि क्या और क्या चाहिए, और कुछ सुधार हो या कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जीएस पार्ट के साथ, या तो फर्स्ट पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट में जो भी रहेगा, और मतलब नेक्स्ट पार्ट में इसका आगे हम बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक कोई लेंगे और उस टॉपिक के बारे में जो पॉइंट लेंगे वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है उसी पॉइंट को करेंगे, जो कभी एग्जाम में नहीं पूछता है वो कभी पूछेगा भी नहीं, वो ऐसा रहता ही है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। तो जो यहाँ पे जिस पॉइंट पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है, हमेशा उसी पॉइंट को पूछा जाता है, भले क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट चेंज करके पूछा जाता है, थोड़ा वो ट्विस्ट करके घुमा के पूछ देता है, लेकिन वहीं से पूछता है क्वेश्चन, क्योंकि पूछने वाला ही वही क्वेश्चन है, बाकी जो भी रहता है वो सब नहीं पूछ सकता है, जो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं तब तक, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।